तीन खूबसूरत हीरोइनें जब स्क्रीन पे दिखती हैं और अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए दिखती हैं तो आपको मिलता है नयन सुख। अब भैया फिल्म देख रहे हैं, अच्छे विजुअल्स दिखेंगे, इससे ज्यादा क्या चाहिए। ऊपर से अगर एक्टिंग भी अच्छी हो, डायलॉग्स भी अच्छे हो, कहानी भी ठीक ठाक हो तो फिल्म देखने का मजा आता है। क्रू देखी मैंने और जितनी उम्मीद थी फिल्म जो है उससे बढ़कर ही एंटरटेनिंग निकली। कहानी एक एयरलाइंस की है जो दिवालिया हो जाती है। यहां विजय माल्या को जोड़ा गया है, वहां माल्या थे, यहां एयरलाइंस के मालिक वालिया हैं। एयरलाइंस दिवालिया हो जाती है और उसकी तीन एयर होस्टेसेस जिनकी अपनी अपनी जरूरतें हैं, तबू, करीना कपूर और कृति सेनन, उसके बाद करती हैं सोने की स्मगलिंग। फिर क्या होता है ये आपको फिल्म देखने पर ही पता चलेगा, क्योंकि यहां थोड़े ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं कहानी में और वही फिल्म को मजेदार बनाते हैं। देखिए इस फिल्म की सबसे बड़ी यूएसपी है तीन बड़ी हीरोइंस का एक साथ आना। तब्बू, करीना कपूर, कृति सेनन तीनों बहुत खूबसूरत लगी हैं, बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहनती हैं और बस आप उन्हें देखते रह जाते हैं। करीना कपूर कमाल की लग रही हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे भाई करीना कपूर ने जबरदस्त कमबैक मारा। तब्बू की एक्टिंग बेमिसाल है, वो लगी भी अच्छी है। कृति सेनन काफी अच्छी लग रही है और काम भी उन्होंने अच्छा किया है। दिलजीत दोसांझ एज अ सरप्राइज पैकेज इस फिल्म में है, ट्रेलर में भी हम देख चुके हैं और यहां भी जब भी वो पर्दे पर आते हैं उन्हें देखकर मजा आता है। कपिल शर्मा तब्बू के पति के रोल में है, उनका छोटा सा रोल है, बहुत कुछ खास उनके पास करने को था नहीं, जितना था उन्होंने ठीक ठाक कर दिया। राजेश कृष्णन ने फिल्म को डायरेक्ट किया है और उनका डायरेक्शन ठीक ठाक है। उनके पास तीन बड़ी हीरोइंस थी जिन्हें उन्होंने बहुत कायदे से इस्तेमाल किया है। देखिए इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत यही है कि यहां आपको तीन तीन हीरोइंस नजर आती हैं और बस आप उन्हें देखते रह जाते हैं। हर फ्रेम में ये तीनों हैं और इससे बढ़कर आपको कुछ चाहिए नहीं होता। कुल मिलाकर फिल्म जो है वो एंटरटेनिंग है। फर्स्ट हाफ फिल्म का अच्छा है, फिल्म की पेस ठीक ठाक है, फिल्म बहुत जल्दी मुद्दे पर आ जाती है। उसके बाद सेकेंड हाफ में मुझे लगा कि कहीं कहीं फिल्म हल्की बहुत ढीली पड़ती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो पंची डायलॉग्स हैं, जो वन लाइनर्स हैं, वो फिल्म को एंटरटेनिंग बनाए रखते हैं और ओवरऑल जब फिल्म खत्म होती है तो आपको लगता है कि भाई आप एंटरटेन हुए हैं और ये फिल्म देखी जा सकती है। मेरी तरफ से इस फिल्म को मिलेंगे 5 में से 3.5 स्टार्स। अगर कोई एंटरटेनिंग फिल्म देखने का मूड हो वीकेंड पर तो बिल्कुल देख सकते हैं क्रू, डिसअपॉइंट नहीं होंगे। और अगर करीना कपूर, तब्बू और कृति सेनन के फैन है तो फिर तो आपको मजा ही आ जाएगा।